अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनं चत्वारतस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। बड़ों का आदर करने से चार चीज मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दुर्भाग्य से यह है कि आजकल के बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते और ये चारों चीज छिन गई उनसे। ना आयु पूर्ण मिल रही है, ना आरोग्य पूर्ण मिल रहा है, ना विद्या पूर्ण मिल रही है। यश तो कितने लोगों का यश है बताओ जरा। यश उसे कहते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद भी दुनिया में तुम्हारा नाम न भुलाया जा सके, लोग याद रखे कि फलाना बंदा था, गजब का बंदा था। वो यश सबसे बड़ी कमाई है, ऐसी दौलत सबसे बड़ी कमाई है और ये बड़ों का आदर करने से प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में जितना हो सके बड़ों का आदर करना चाहिए और जो बड़ों का आदर करते हैं उन्हें ये चारों चीज सहज में प्राप्त होती है। किसी का सच जाने बगैर उल्टा सीधा बोलना ये अपराध है। और हम तो कहते हैं किसी की उल्टी सीधी चीजें जानते भी हो तो भी उस पर बयान देना अपराध ही है। क्या जरूरत है? कोई बुरा कर रहा है तो उसे बुरा भोगना पड़ेगा, ये उसकी भगवान की क्रिया है, उसे भोगना ही पड़ेगा, तुम्हें उससे मुझे क्या मतलब। लेकिन व्यक्ति बड़ा अच्छा है, अपनी अच्छाइयों को दुनिया तक पहुंचाता रहता है और दूसरे की बुराइयों को दुनिया तक पहुंचाता रहता है, यही गलत स्वभाव है। अगर ऐसा स्वभाव हमारा और आपका है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम कलयुग के प्राणी हैं, हमारा स्वभाव अलग होना चाहिए। स्वभाव क्या होना चाहिए? अपनी बुराई दुनिया को बताएं और दूसरे की अच्छाई दुनिया को बताएं, जिससे संसार में बुराई कभी फैले ही ना। अगर शेयर करना ही है तो अच्छाई को शेयर करना चाहिए।